हाँ तो भाई अगले कुछ दिनों में IQ की तरफ से IQ Z9 हमें इंडियन मार्केट में लॉन्च होते हुए देखने को मिल जाएगा। तो आज हम इस वीडियो में इस फोन से रिलेटेड सारी बातें करने वाले, स्पेसिफिकेशंस क्या होगी, प्राइस पॉइंट क्या होगी और इंडिया लॉन्च डेट हमें क्या देखने को मिल जाएगी। तो थोड़ी स्पेक्स पे चर्चा की जाए तो यहाँ पे हमें 6.67 इंच की एक फुल HD+120Hz के साथ में एक फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा। सेंटर में पंच होल कैमरा का टोटल नॉच, HDR10 का सपोर्ट और Wide 1 L1 सर्टिफाइड देखने को मिल जाएगी। जो बेसिक सी डिस्प्ले आती है सारी स्पेक्स हमें यहाँ पे देखने को मिलने वाले। बात करें प्रोसेसर के बारे में तो यहाँ पे हमें जो है MediaTek Dimensity 7200 लाइक 5G प्रोसेसर, UFS 2.2 की स्टोरेज टाइप और LPDDR4 की रैम टाइप देखने को मिल जाएगी। प्रोसेसर भी ठीक ठाक है। बात करें भाई कैमरा सेटअप के बारे में तो यहाँ पे आपके बारे में अपग्रेड किया हुआ है। बैक में 50MP का डुअल कैमरा, 50MP का मेन कैमरा देखने को मिलेगा जहाँ पे हमें सोनी का IMX882 का सेंसर विथ OIS ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन देखने को मिल जाएगा। हालांकि जो दूसरा कैमरा होगा उसके बारे में कहीं जिक्र नहीं किया गया, बट जहाँ तक मुझे लग रहा है 2MP का डेप्थ ही चिप पाने वाले। बट जो भाई मेन कैमरा होगा वो बहुत ही ज़्यादा सुपर और बहुत ही ज़्यादा चुम्मेश्वरी होने वाला है। और यहाँ पे हमें फ्रंट में 16MP की सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा। बैटरी और चार्जर की बात करें तो 5000mAh की बैटरी, ये फ़ोन 44W के फास्ट चार्जर को सपोर्ट करेगा। चार्जर हमें डब्बे में देखने को मिलेगा। अब इससे थोड़ा बढ़ा के इन्हें 67W अप कर देना चाहिए था, बट 44W थोड़ा स्लो तो लगेगा ही आपको। UI की बात करें तो आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 14, यहाँ पे हमें जो फन टच OS 14 पे रन करता हुआ देखने को मिल जाएगा। सेंसर्स की बात करें तो यहाँ पे इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक का सपोर्ट, USB Type-C का पोर्ट, 3.5mm जैक मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसका कहीं जिक्र नहीं किया गया, बट जहाँ तक चांसेस है नहीं मिलेगा। और डुअल स्टोरेज स्पीकर ये सब भी हमें देखने को मिल जाएगा। बात करें बिल्ड क्वालिटी डिज़ाइन के बारे में तो जैसे आपने यहाँ पे IQ के Z7 सीरीज देखी बस वही डिज़ाइन लैंग्वेज लगभग हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। प्लास्टिक बैग जहाँ तक मिलेगा, अब देखिए ग्लास बैग तो ये देते हैं नहीं, तो ग्लास बैग देना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक फ्रेम, बॉक्स टाइप के डिज़ाइन लैंग्वेज फॉलो की, मतलब ठीक ठाक डिज़ाइन है, नहीं बहुत ज़्यादा खराब है, नहीं बहुत ज़्यादा अच्छा है, जो इनकी डिज़ाइन लैंग्वेज आती है उसी को इन्होंने फॉलो किया हुआ है। करें इंडिया लॉन्च डेट के बारे में तो भाई देखिए यहाँ पे IQ इंडिया ने ऑफिशियली टीज कर दिया, तो आप समझ सकते हो मार्च के महीने में हमें इंडियन मार्केट में लॉन्च होते हुए देखने को मिल जाएगा। ये 100% कन्फर्म है, क्या पता मिड मार्च तक ये हो जाए। प्राइसिंग की बात करें तो सब लोग बोल रहे हैं under 20,000 आएगा, बट प्राइसिंग तो रखेंगे इससे कम क्या ही रखेंगे। आपको क्या लगता है कि IQ Z9 के लिए आप वेट कर रहे हो, इंतजार कर रहे हो, प्राइसिंग कितनी होनी चाहिए, फोन कैसा है, नीचे कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके जो बेल आइकन है उसे भी दबाएं, ऐसा एक्साइटिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।